हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है द्विघात समीकरण, जिसको हम इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और आज हम क्या करने वाले हैं, हम इसका एक एग्जाम्पल करने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, जिसके चार पार्ट्स हैं। और चारों पार्ट्स में हमें क्या चीज चेक करनी है कि यहाँ पर जो आपको चार इक्वेशंस, चार समीकरण दे रखे हैं, ये द्विघात समीकरण। तो ये चारों के चारों जो इक्वेशंस है, चारों के चारों जो समीकरण है, वो द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमें चेक करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। पहला है ये वाला, ये है एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 2x-3। इसको हम आगे सॉल्व करें, पहले आपको ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का ये पूरा फॉर्मूला होता है, तो एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर का क्या बनेगा? तो जैसे ये लिखा है मैं इसी तरीके से लिखता हूं, मतलब ए की जगह मैं एक्स लिख देता हूं, बी की जगह मैं 2 लिख देता हूं। तो ऐसा करने पर ये जो ए है इसकी जगह तो मैं एक्स लिख दूंगा, और स्क्वायर यहां है तो यहां पर भी स्क्वायर होगा, प्लस की जगह प्लस हो जाएगा, बी की जगह 2, बी के पास स्क्वायर है तो 2 के पास भी स्क्वायर होगा, माइनस इस 2 की जगह ये 2 मल्टीप्लाई इस ए की जगह एक्स मल्टीप्लाई इस बी की जगह 2। तो ये तो एक्स स्क्वायर ही रह गया, प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x। तो बच्चों आप ये देखो कि x माइनस 2 का जो होल स्क्वायर है उसका आंसर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। इसको हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, प्लस की जगह प्लस हो गया, 1 की जगह 1 हो गया, इक्वल टू ये 2x की जगह 2x हो गया, माइनस की जगह माइनस उतार दिया और 3 की जगह 3 उतार दिया। अब इन दोनों को यहां लेके आते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे आप वो देखो जरा, पहले बाद में लेके आते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये देखो ये 4 है और ये प्लस 1 है, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया, प्लस 5। ये क्या है, माइनस 4x, और यहां हमारे पास है 2x-3। अब इन दोनों को लेके आते हैं यहां पर और इसको हम यहां लेके आते हैं। तो पहले से जो है उनको तो उतार देते हैं। अब ये जो 2x है इसको यहां लेके आते हैं तो हो जाएगा -2x। इस 3 को यहां लेके आएंगे तो ये -3 यहां कर हो जाएगा +3, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, और यहां तो अब कुछ बचा ही नहीं तो वो 0 हो गया। तो इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहा, -4x-2x हो जाता है -6x, 5+4 हो गया 8 इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास इसमें एक्स स्क्वायर है, मतलब इस समीकरण की, इस इक्वेशन की जो घात है वो 2 है, घात मतलब डिग्री कितनी है, 2 है, इसलिए ये एक द्विघात समीकरण है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमने पहला पार्ट कर लिया, तो चेक कर लिया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, ये रहा दूसरा पार्ट। अब दूसरे पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में है एक्स एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स-2, ये है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस एक्स, साथ में प्लस 8 भी है, इक्वल टू। अब ये देखें जरा, इसको समझाने के लिए मैं एक फॉर्मूला पहले आपको बता दूं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरीके से एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू होगा
एक्स स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही लिख दिया, माइनस टू स्क्वायर कितना होता है, तो यहां पर देखें यहां पर यही फॉर्मूला लगेगा, एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, तो इसको ऐसे ही लिख दिया, एक्स को ऐसे ही लिख दिया, एट को ऐसे ही लिख दिया, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख दिया, माइनस को ऐसे लिख दिया, और टू स्क्वायर कितना हो गया, फोर। अब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ये है और राइट हैंड साइड पे ये है, यहां पर एक्स स्क्वायर है प्लस में, ये भी एक्स स्क्वायर है प्लस में, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा एक्स प्लस एट इक्वल टू माइनस फोर। इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास इसकी, अगर तुमसे पूछूं घात कितनी है जिसको कि हम कहते हैं डिग्री, तो घात का मतलब होता है एक्स की सबसे बड़ी पावर, तो यहां पर खाली यहां एक ही एक्स है और इसकी पावर कुछ नहीं दिखाई दे रही, तो मतलब है वन, तो घात इसकी वन हो गई, डिग्री वन हो गई, तो इसका मतलब ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम ये थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे और थर्ड पार्ट को चेक करेंगे कि ये क्या कह रहा है, ये है थर्ड पार्ट हमारे पास, मैं लिख के दिखाता हूं, यहां पर यह है एक्स टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, पहले एक्स को टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को प्लस थ्री से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस थ्री एक्स, और ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको यहां लेके आते हैं और इसको भी यहां लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस वन यहाँ आ गया तो माइनस वन हो गया, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये आपको पता होना चाहिए कि टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व कैसे करें, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर कितना हो गया, वन एक्स स्क्वायर, जिसको खाली एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर, प्लस थ्री एक्स साथ में है, माइनस वन साथ में है, वहां इक्वल टू जीरो है, तो ये जो हमारे पास चीज आई है क्या है, जरा ये देखो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी घात कितनी है, वो देखो डिग्री इसकी है टू, घात कितनी है टू, घात या फिर डिग्री क्या होती है, एक्स की सबसे बड़ी पावर जो यहां पर टू है, इसीलिए ये एक द्विघात समीकरण है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारे पास ये चौथा क्वेश्चन है, एक्स प्लस टू का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर, इसको सॉल्व करते हैं, तो फोर्थ पार्ट है एक्स प्लस टू का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर, इसको सॉल्व करें, पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ए प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले के बेसिस पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्या है, ये है एक्स प्लस टू का होल क्यूब, इसको सॉल्व करते हैं, तो ए की जगह एक्स आ जाएगा, बी की जगह टू, ए की जगह एक्स हो जाएगा तो क्यूब, बी की जगह टू हो जाएगा क्यूब, थ्री के प्लेस पे थ्री होगा मल्टीप्लाई, ए के प्लेस पे एक्स होगा और साथ में स्क्वायर भी लगाना है, बी के प्लेस पे टू होगा प्लस थ्री के प्लेस पे थ्री लगाना है मल्टीप्लाई, ए के प्लेस पे एक्स लगाना है, बी के प्लेस पे टू लगाना है, साथ में स्क्वायर। अब ये एक्स क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, टू की पावर थ्री कितना हो गया, एट, इसको सॉल्व करो तो ये हो गया सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करना है, इसमें ये लिखा है टू स्क्वायर, तो आपको बता दूं टू की पावर टू होता है फोर, तो इसको जब इस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ट्वेल्व और साथ में एक्स,
ये हमारे पास आंसर आ गया, तो इसका आंसर हम यहाँ डायरेक्टली लिख देंगे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एट प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब है और राइट हैंड साइड में भी है, और दोनों का साइन एक जैसा है तो ये दोनों कट जाएंगे। क्या बचा हमारे पास, यहां से हमारे पास बचा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 और यहां से हमारे पास बचा माइनस 4। माइनस 4 को यहां लेके आओगे तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x, इसको सॉल्व करोगे तो ये 12 आएगा। अब इस पूरे इक्वेशन को देखो, इसकी घात कितनी है, 2, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसीलिए ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरीके से हमने ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, जो कि पेज नंबर 81 पे है, एग्जाम्पल नंबर 2, आप भी अपने बुक में देख लें, तो इसके चार पार्ट थे, चारों के पार्ट में मैंने आपको समझा दिया कि हम किस तरीके से जांच कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, द्विघात समीकरण है या नहीं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।